हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीम ऑफ प्रोफेसर एमएच। दिस इज़ योर मेंटोर शाहिदा बावा फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट फॉर यूनिट 8, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिन प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी यू नो डिस्कस अबाउट वेरियस मार्केटिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीन मार्केटिंग, देन आई कैन से डिजिटल मार्केटिंग, ऑल राइट। देन वी स्टडीड अबाउट इंटरनेट मार्केटिंग, वी स्टडीड अबाउट सोशल मार्केटिंग, ओके, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो today we will be discussing about rural marketing, okay? What is the meaning of rural marketing? Then further we will discuss about the features of rural marketing, all right? So start karte hain sabse pehle ki what is rural marketing, all right? See, rural marketing refers to marketing of goods and services in रूरल एरियाज, है ना। अगर तो मैं रूरल एरिया में जाकर अपने गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केटिंग करती हूँ तब मैं उसे कहती हूँ रूरल मार्केटिंग, ठीक है। सी, मार्केटर्स को आइडेंटिफाई करना है रूरल कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट, है ना, और उसके हिसाब से उन्हें गुड्स एंड सर्विस देना है ताकि जो मेरे रूरल कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो देख लेते हैं कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, रूरल मार्केटिंग रेफर्स टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज। द मार्केटर आइडेंटिफाई रूरल कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देम, ओके। Next is the features. See, when we speak about the features, the main features of Indian rural markets are scattered nature of Indian markets. See, rural India lives in over, you know, there are 640,000 villages, okay. और इसमें से 10% ऑफ इंडियंस विलेजेस हैव अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 प्लस, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो इंडिकेट करता है जो पॉपुलेशन है रूरल इंडिया का वो हर जगह से यू नो स्कैटर्ड है, है ना, फैला हुआ है हर जगह। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मार्केटर्स को कि किस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स है वो रूरल एरियाज में पहुँचा सके, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, स्कैटर्ड नेचर ऑफ इंडियन मार्केट। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ रूरल डिमांड। सी, साइज ऑफ रूरल डिमांड, फॉर एग्जांपल जब हम ले लेते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लाइक सोप हो गया है, वॉशिंग पाउडर्स हो गए, टी हो गया है, एक्सेट्रा हो गया है, तो सी समहाउ कहीं ना कहीं तो ये भी चीज़ें रूरल एरिया वाले यू नो डिमांड करते हैं, है ना। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का तो फॉर श्योर डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। वैसे ही डिमांड से लो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया है, टीवी हो गया है, है ना। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल हमें यू नो रूरल एरियाज में भी मिलता है, तो मार्केटिंग हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि डिमांड दोनों की है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की भी है प्लस ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की भी है। अभी से कंज्यूमर बिहेवियर, है ना, थर्ड पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर। सी, कंज्यूमर बिहेवियर किप्स ऑन चेंजिंग एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट रूरल एरियाज, तो कंज्यूमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव, ठीक है। सी, रूरल कस्टमर्स प्रीफर टू बाय दोज ब्रांड्स दैट गिव देम मोर वैल्यू ऑफ मनी, ओके। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द रूरल कस्टमर्स प्रीफर टू बाय इन स्मॉलर पैक्स। अभी फॉर एग्जाम्पल रूरल मार्केटर्स जो है वो स्मॉल पैकेट्स यू नो या फिर सैशेज ऑफ शैम्पू हो गए, वॉशिंग पाउडर हो गए, उस पे जाते हैं, वो खरीदारी करते हैं, मतलब दे टेंड नॉट टू वेस्ट एनीथिंग, ऑल राइट। प्राइस सेंसिटिव इसलिए तो कहा गया है। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ पेमेंट, है ना। सी, मोस्ट ऑफ द रूरल कस्टमर्स प्रीफर टू मेक पेमेंट बाय कैश, है ना, ये लोग यू नो कार्ड्स के थ्रू प्रीफर नहीं करते हैं। इवन इफ दे बाय ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविजन, तो ये लोग अगर इंस्टॉलमेंट्स भी करते हैं तो इन लोग क्या करते हैं, मतलब विदाउट इंटरेस्ट वाला यू नो स्ट्रेटेजी लेते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट ना पे करना हो, ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, स्पेशली कैश के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट इज अवेयरनेस, ओके। व्हेन आई टॉक अबाउट अवेयरनेस, तो अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो अवेयरनेस कहाँ से पता चलेगा लोगों को, है ना। अवेयरनेस इंक्रीज होता जा रहा है स्पेशली ड्यू टू मीडिया, है ना, स्पेशली ड्यू टू टेलीविजन। अब यहाँ पे लोग यू नो सीरियल्स देखते रहते हैं रूरल एरियाज में, तो दे आर एक्सपोज टू एड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, बेवरेजेस एंड सो ऑन,
तो डिमांड जैसे मैंने कहा है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एज वेल एज एफएमसीजी प्रोडक्ट्स क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अवेयरनेस कहाँ से हुआ? टीवी से हुआ ना। नेक्स्ट इज द रूरल इनकम। सी द राइज इन रूरल डिमांड इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन रूरल इनकम, है ना। सी रूरल पीपल ऑल्सो गेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स वर्किंग इन सिटीज एंड एब्रॉड, ओके। और जो हम बात करते हैं रूरल इनकम का, तो मेजर पार्ट ऑफ रूरल इनकम कहाँ से आती है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से आती है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। सी कंज्यूमर लाइफस्टाइल इन रूरल एरियाज हैव आल्सो चेंज्ड, ठीक है, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न आउटलुक। दिस माइट बी बिकॉज ऑफ यू नो टीवी एक्सपोजर, जहाँ पे बहुत ज्यादा यू नो टीवी के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं मीडिया के थ्रू जो फैशन है, जो लाइफस्टाइल है, वो अपने आप चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर भी तो द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल टू मॉडर्न लाइफस्टाइल क्रिएट्स गुड पोटेंशियल फॉर मार्केटर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द लिटरेसी लेवल। सी रूरल डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्रीज इन लिटरेसी लेवल, है ना। अभी लिटरेसी लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों को अवेयरनेस होता जा रहा है प्रोडक्ट्स के बारे में। इसीलिए तो हमने कहा है ना कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑफ लिटरेसी रेट्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। अगर मुझे कुछ तो यू नो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस पहुँचानी है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन अगर हमारा अच्छा होगा तो ही तो हम सामने वाले को अच्छे से बता सकते हैं, राइट। तो लिटरेसी रेट भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये कुछ फीचर्स है रूरल मार्केट के। सो वी स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ यू नो रूरल मार्केटिंग एंड देन वी स्टडीड अबाउट द फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। आई गेस जो फीचर्स था स्कैटर्ड नेचर ऑफ इंडियन मार्केट, ठीक है, साइज ऑफ रूरल डिमांड इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर का जो यू नो रूरल एरिया में बिहेवियर है ऑफ कंज्यूमर कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड उन लोग अक्सर क्या करते हैं कैश पेमेंट से ही ज़्यादातर यू नो पेमेंट देते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। देन अवेयरनेस थ्रू एडवर्टीजमेंट जैसे मैंने कहा बहुत ही अच्छे से होते जा रहा है। देन द लाइफस्टाइल ऑफ द यू नो रूरल एरियाज आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ द इनकम, है ना। इनकम जो है सिटीज और एब्रॉड से जो आ रहे हैं तो वैसे उनका लाइफस्टाइल भी चेंज होते जा रहा है। एंड लिटरेसी लेवल जो है वो क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है ना। तो ये कुछ फीचर्स थे ऑफ रूरल मार्केटिंग। होप ये जो कॉन्सेप्ट था रूरल मार्केटिंग का वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ येस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।